लोग ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं सोचने के लिए कितने लोग अपने ब्रेन से सोचते हैं हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग फ्रॉम योर ब्रेन लेट मी चेक हु ऑल आर थिंकिंग फ्रॉम योर ब्रेन Okay. Wow. So many people. See, the question is when I say I think from who all are thinking from brain, your answer should be I think. It shouldn't be I don't think. You know, that is how it doesn't work. Okay. Mm -hmm. Very nice. A lot of you are thinking from brain. This is good. This is good. We are getting somewhere. Great. Now, the next question to all of you would be how many of you think from a mind? How many of you think from the mind? How many of you think from a mind? That is the question. Okay. Hmm, mm. now a lot of people are confused. What is the difference between two? Isn't not the mind and the brain is the same? क्या दोनों सेम नहीं है क्या दोनों अलग है सो लेट मी मेक दिस थिंग क्लियर फॉर यू ऑल द माइंड इज अ सॉफ्टवेयर एंड द ब्रेन इज द हार्डवेयर माइंड जो है वो सॉफ्टवेयर है और जो ब्रेन है वो हार्डवेयर है ठीक है तो माइंड क्या करता है माइंड आपकी थॉट पैटर्न को स्टोर करता है प्रोसेस करता है डिसीजन देता है ब्रेन को और ब्रेन जो है उस चीज को मैकेनिकल करंट में कन्वर्ट करता है और वो कन्वर्जन करंट वो पास करता है आपके हाथों से आपकी उंगलियों में और आपकी उंगलियां क्या करती है फिर मूव होती है पेपर पे और जैसे ही वो मूवमेंट होता है उंगलियों का पेपर पे उस समय पे ऑटोमेटिकली आपकी ब्रेन पैटर्न आपका थॉट पैटर्न जो है वो लाइन लूप और ख में पेपर पे आ जाता है और इसीलिए जब हम उस उनका एनालिसिस करते हैं तो उस एनालिसिस से हमको पता चलता है कि आप सोचते कैसे हो सोच क्या रहे हो अगर मैं आपको ये पूछूं कि आपके कौन से बॉडी पार्ट को सबसे ज्यादा जगह मिली है ब्रेन के अंदर तो आप क्या बोलोगे विच बॉडी पार्ट ऑफ यूर्स हैज गॉट द मैक्सिमम स्पेस इन द ब्रेन according to you, which body part has got maximum space allocated to you allocated to it in the brain okay some of the eyes what about others hands and legs awesome somebody says hands and legs uh ears heart okay mm -hmm. tummy heart hands scalp फिंगर्स थार्स ओके ठीक ओके ओके यू आर नॉट गेटिंग द मैक्सिमम स्पेस सबसे ज्यादा जगह आपके ब्रेन में आपके टंग को मिली है आपकी जीवा को मिली है इसीलिए जीवा की देखो कितनी सारी फंक्शन है वो इट कैन टेल यू वर्ट सुमी टेस्ट कितनी सारी टेस्ट के बारे में बात करता है कितनी सारी ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो सफाई कर सकता है वो बात कर सकता है वो आपके अन्न को पीछे ढकेल सकता है यू नो सो मच ऑफ थिंग्स टंग कैन डू सो टंग मैक्सिमम स्पेस अलोकेटेड टू इट इन द ब्रेन और उसके बाद आपके आईज है लिम्स है हैंड्स है इसीलिए जब आपके हैंड्स भी लिखने के लिए चलते हैं जब आपके हैंड्स लिखने के चलते उस समय भी क्या होता है उस समय भी आपके माइंड में काफ़ी ज्यादा इंटरेक्शन होता है आपके ब्रेन जो है काफी ज्यादा सिग्नल्स जो है वो क्रिएट करते हैं और उसी कारण जब आप लिखते हो तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है रिव्यूल होता है पेपर के ऊपर आपका राइटिंग जो है वो साइको न्यूरो मस्कुलर एक्टिविटी साइको न्यूरो और मस्कुलर मतलब क्या होता है साइको का मतलब होता है माइंड न्यूरो का मतलब होता है आपका आपका ब्रेन और मस्कुलर का मतलब होता है आपका बॉडी इसलिए माइंड ब्रेन और बॉडी इन्वॉल्व है इसी वजह से ग्राफोलॉजी में इतनी सारी चीजें आपको पता चल जाती है अब देखिए आपके पास दो तरह की तीन तरह की एक्शन होती है आपके बॉडी में एक होती है रिफ्लेक्स एक्शन आपको पता है रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में थोड़ा बहुत डू नो एनीथिंग ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन वॉट इज द रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा एक एक्शन है जो आपकी बॉडी बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले रिस्पॉन्ड करती है इट्स लाइक यू टच अ हॉट पैन And you will see, oh, you know, uh, if you are trying to fall down, you will balance yourself. If something is, uh, if you see some danger coming to yourself, towards you, you will react. So this reaction is a volume involuntary action. Involuntary. It's like a reflex action. Without you being aware, your body will respond. Without you being aware, your body will respond. So that is a reflex action. So this reflex action is your body se

प्रैक्टिस कर कर करके अपने सेल मेमोरी तक डाल के उसको अडॉप्ट करते जैसे आप देखो जब बॉलर आपके तरफ 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब बॉल डालता है तो आपका रिफ्लेक्स एक्शन ही उसको आपको बचाता है क्योंकि उतने दिन उनको ने उस बॉल का प्रैक्टिस किया कि नाउ देयर बॉडी नोज हाउ टू रिस्पॉन्ड थिंक फ्रॉम यू नो कॉन्शियस मेमोरी एट द टाइम वो हो जाता है उनको पता है कि ये यहाँ पे बॉल आएगा ऐसा मारो ऐसे करो तो ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो आप अप, अपनी बॉडी में अब डाल सकते हो किसी भी चीज को बार 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 प्रोग्राम करके बार बार वही चीज को प्रैक्टिस करोगे तो आपका बॉडी जो है रिफ्लेक्स एक्शन को कन्वर्ट कर देगा उस उसी एक्शन के लिए अब सेकंड लेवल जो एक्शन है ना वो एक्शन है द एक्शन ऑफ एक्शन मतलब जैसे आप पानी पी रहे हो तो पानी पीने का एक्शन आपका वॉलंट्री एक्शन है आप एक, एक पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रेवल कर रहे हो तो यहां से यहां जाना आपका वॉलिट्री एक्शन है लेकिन जब आप ट्रैवल कर रहे हो ट्रैवल करते समय क्या होगा आप चलोगे और चलते समय कोई ऐसे चलेगा कोई ऐसे चलेगा किसी का ऐसे ऐसे होगा तो ये जो मूवमेंट्स है जिसके प्रति आपका ध्यान नहीं इसे जैसे संजय ऐसे चलते यू नो तो जब ऐसे चलते तो ऐसे क्यों चलते तो ये जो चलने का एक्शन है वो इनवॉल्ट्री इसीलिए आपका जो चाल चलन है आपका चलने का तरीका है उसको देख के लोगों को ये पता चल जाता है कि कौन आ रहा है कौन चल रहा है तो आपका आपकी जो चलने की स्टाइल है वो यूनिक है तो ये जो तरीका है उसको बोलते हैं इनवॉलेंट रिएक्शन किसी सुंदर लड़की को लड़के ने देखा तो उसका हार्ट पंप होना चालू गया ये इनवॉलेंट रिएक्शन है अचानक से आपने कोई डेंजर देखा और आपकी हार्डवेयर बढ़ गई ये इनवॉलेंट रिएक्शन है अचानक से आप बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हो आपको ने पुलिस को देख लिया तो आपके स्वेटी हो गए ये इनवॉलेंट्री एक्शन है तो ये सभी इनवॉलेंट्री एक्शन जो है ना वो आते हैं वो आते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से और वो इन्वॉलेंट एक्शन सबकॉन्शियस माइंड का इसलिए जब आप डिसाइड करते हो कि मुझको ए लिखना है ठीक है जि ए लिखना है तो वो जो ए लिखते हैं वो ए लिखने का तरीका आपका ऐसा होगा आप डिसाइड करोगे कि मैं ए लिखता हूं पर ए कभी ऐसा आएगा कभी ऐसा आएगा ठीक है कभी कभी आपका जो ए है वो इस तरह से आ जाएगा तो आप ए तो लिखना चाहते हो लेकिन आपका जो ए पेपर पे आएगा वो हमेशा अलग तरह से आएगा और ये अलग तरह का ए आपके सबकॉन्शियस माइंड से आएगा और इसीलिए ग्राफोलॉजिस्ट के सामने नोबडी कैन हाइड कोई भी इंसान छुप नहीं सकता है क्योंकि अगर उन्होंने एक पूरा पेज लिखा पूरा एक पेज लिखा तो उनकी जो हैंडराइटिंग है वहां से बार बार जो चीजें रिवील होनी चाहिए वो हो, कहीं ना कहीं से रिवील होती जाएगी क्योंकि जो राइटिंग है ये इनवॉलेंट्री एक्शन ए लिखने का चॉइस तो आपका है वो तो वॉलिटी लेकिन ए जिस तरह से पेपर पे आएगा वो शायद आपके हाथ में नहीं है वो कभी आपके हाथ में तो दिस ए माइट कम इन डिफरेंट वे दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू नो वॉट एंड वॉट द पर्सन इज थिंकिंग सो दिस इज हाउ द ग्राफोलॉजी वर्क एंड दिस हाउ ग्राफोलॉजी द दिसजी नाउ माई क्वेश्चन टू यू ऑल इज वाई यू बिहेव द वे यू बिहेव ऑल द टाइम आपका व्यवहार करने का तरीका हमेशा उसी तरह से क्यों होता है जैसा वो होता है हमेशा आपके व्यवहार रिपीट होते हैं राइट खाना खाने का तरीका रिपीट होता है चलने का तरीका रिपीट होता है बात करने का तरीका रिपीट होता है यू you नो know, आपकी जो बॉडी में साइल है वो रिपीट होती है तो क्यों ऐसे होती है वाई वॉट इज द रीजन अच्छा सम्बडियस इज लर्निंग ओके दैट आई ओके ओके बिकॉज ऑफ द बेसिक नेचर ओके प्रोग्रामिंग इन ओके प्रोग्रामिंग सो संबड़ी सिंह प्रोग्रामिंग सो मेरा कहना यह कि आपने लिखा है कि पर्सन बिहेव दस वीज आर और बेसिक नेचर बेसिक नेचर आता कहाँ से बेसिक नेचर है क्या वो सबकॉन्शियस में आया कहाँ से संबड़ी सिंह ही सबकॉन्शियस माइंड तो सबकॉन्शियस में आ, आया कहाँ से अपब्रिंगिंग अपब्रिंगिंग मतलब क्या क्या सबका अपब्रिंगिंग सेम नहीं होता है तो अलग होता है मतलब एग्जैक्टली exactly क्या फ्रॉम वेर एग्जैक्टली यू आर लर्निंग टू बिहेव इन सम पर्टिकुलर वे कहा से सीखते हो आप कहा से आपने पहली बार सीखा करेक्ट सबद बट वेरी टू इमिटेशन सराउंडिंग पर वो हम सीखते कैसे क्यों क्योंकि अपना जो माइंड है उसको सिर्फ एक ही लैंग्वेज आता है And what is that language? The language is the language of symbols. Your mind always understand only one language, that is language of symbols. वो प्रतीकों की भाषा समझता है जब आपने अपने एल्डर्स को देखा एक पर्टिकुलर तरह से व्यवहार करते हुए तो आपने वो व्यवहार सीखा ये कैसे होता है जब आप जीरो टू फोर्टीन ईयर्स के बीच में होते हो तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक ओपन बॉक्स की तरह होता है ओपन जार विदाउट एनी लेड जो भी आप देखते हो अपने पेरेंट्स का अपने सराउंडिंग का अपने मतलब एल्डर्स का व्यवहार वो आपकी माइंड में चला जाता है इसमें किसी भी तरह का लीड नहीं है अच्छा बुरा कोई भी व्यवहार आप सीख जाओगे इसलिए देखो कुछ लोग बहुत हार्श होते हैं नेचर से क्यों क्या हर कोई हार्श बनना चाहता है नहीं बट उन्होंने वही देखा हुआ है उन्होंने क्रुएल्टी देखी है वो क्रुएल हो गए तो ये चौदह साल तक आपके माइंड में किसी भी तरह का लीड नहीं होता है आपका प्रोग्रामिंग होते जाता है विदाउट एनी लीड और चौदह साल के बाद जब आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स आ जाते हैं जब आपकी बॉडी में हारमोन्स आ जाती है वहां पे इसका लीड आ जाता है उसके बाद आप एडल्ट हो जाते हो उसके बाद आप कोई भी व्यवहार को सोच समझ के चूज करते हो ये मेरे लिए अच्छा है या मेरे लिए बुरा है ये मेरे लिए अच्छा है या मेरे लिए बुरा है उसके पहले आपका जो प्रोग्रामिंग होता है वो प्रोग्रामिंग होता है जीरो और वन से यू गेट प्रोग्राम बाय जीरो और वन नाउ व्हाट इज जीरो आपने सुना है प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स में होता है जीरो वन से ये बाइनरी लेवल मशीन लेवल लैंग्वेज इसको बोला जाता है तो कंप्यूटर की भाषा में वॉट इज जीरो अगर जीरो वन की बात कर रहे हैं तो वॉट इज जीरो इन द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स कंप्यूटर की भाषा में जो जीरो है वो है नो करंट अपसेंस ऑफ करंट मतलब यहां पे कुछ भी नहीं है जीरो फॉल्स करेक्ट और जो वन है वो वन है समथिंग करंट ट्रू तो यहां पे आपका जो प्रोग्रामिंग होता है वो पहले जीरो टू सेवन ईयर्स के बीच में होता है जीरो से फिडोमेंटरी बाय जीरो व्हाट इज जीरो इन योर केस जीरो आपकी केस में ऐसी चीजें जो आपके लाइफ में आपको दिखाई नहीं देगी लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगी आपके लाइफ में ऐसी वो कौन सी चीज है जो आपको दिखाई नहीं देती लेकिन बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपकी लाइफ में करती है विच ऑल आर दो थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ बट दे आर नॉट बीन सीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेकिन आप आपको दिखती नहीं ऐसी कौन सी चीजें वॉट डू यू थिंक एयर कैन बी सीन राइट यू कैन कलर द एयर वेरी इजिली करेक्ट लव हेट्रेट पैशन इमेजिनेशन लवो सो दीज आर इमोशंस सो इमोशंस इज वॉट प्रोग्राम्स यू बिटवीन जीरो टू सेवन ईयर्स ऑफ एज प्रमेंट्री एंड इमोशंस इज इक्वल टू योर मदर मदर एंड मदर लाइक फिगर्स मदर फिगर्स मतलब आपकी लैंग्वेज टीचर आपकी ज्योग्राफी टीचर मे बी आपके आपकी बुआ आपकी दादी आपकी नानी यू you नो know, ये सभी लोग आपको जीरो टू सेवन ईयर्स के बीच में प्रोग्राम करते हैं इसलिए जब आप किडन गार्डन में जाते हो नर्सरी में जाते हो तो आपको ऐसे बड़ा मेल ऐसे करके सिखा रहा है नाउ से बा नहीं दिखेगा आपको एक साधारण सी जो फीमेल है वो दिखेगी जो बच्चों को पढ़ा रही क्यों क्योंकि जीरो टू सेवन ईयर्स के बीच में किसी भी मेल को लड़के मतलब ज्यादा देर उस छोटे बच्चे के साथ कनेक्ट होना बहुत मुश्किल है इसीलिए जब आप किसी बच्चे का अपमान करते हो जिसका एज टू जीरोस के बीच में है आपने बोला यार कितना गंदा दिख रहा है ये बच्चा तो उसकी माँ आएगी उसको पकड़ के लेके जाएगी उसको नहला धुला के वापस चक्का चक्कर के आपके सामने रखेगी क्यों क्योंकि तो वो लड़के का इंसल्ट ये माँ का इंसल्ट होता है क्योंकि जीरो टू सेवन ईयर्स के बीच में माँ और बच्चा एक जान होते हैं एक होते हैं तो जीरो टू सेवन के बीच में उसका जो प्रोग्रामिंग होगा वो होगा जीरो से और कुछ पार्ट ऑफ वन थोड़ा बहुत वन भी उसमें जाएगा नहीं जाएगा ऐसा थोड़ा बहुत वन भी जाएगा बट प्रमेंटली वो जीरो से प्रोग्रामिंग होंगे फिर सेवन टू फोर्टीन ईयर्स के बीच में यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे आपका जो प्रोग्रामिंग होता है वो होता है प्रोडामेंटली बाय वन ना वॉट इज वन इन योर केस वन का मतलब होता है एक्शन एक्शन का मतलब खेलना कूदना दौड़ना जंप करना ये सब जो चीजें है यू नो कुछ काम करना ये काम करने का जो टेंडेंसी है वन का टेंडेंसी वन मतलब आपके फादर और फादर फिगर फादर फिगर की बात करते हो तो आपके माता पिता पिता आ गए पिता के बाद बड़े बड़े चाचा आ गए फिर आपकी पीटी टीचर आ गए स्पोर्ट टीचर आ गए मैथ्स टीचर आ गए ये सभी आपके फादर फिगर होते हैं इनसे आप प्रोग्राम होते रहते हो आपके बड़े भाई वो भी आपके फादर फिगर हो जाते हैं उनसे आप प्रोग्राम होते हो अब यहाँ पे यहाँ पे अगर ये सेवनटी फोर्टीन ईयर्स के बीच में अगर आपके फादर ने आपके साथ समय नहीं बिताया आपको गाइडेंस नहीं दिया आपके साथ उन्होंने मतलब आपको आपको उत्साह नहीं दिया प्रोत्साहन नहीं दिया तो आप बहुत बड़ा चीज लाइफ में अचीव नहीं कर सकते जहाँ पे अगर अगर आप इस एरिया में आपको अगर मिलता है अपने पिता का सपोर्ट तो आप बहुत बड़े अचीवर बनते हो बहुत ज्यादा काम करने की काबिलियत आप में आती है और बहुत बड़ी चीज आप अचीव कर पाओगे अगर आपको सेवन टू फोर्टीन ईयर्स मिलेगा पिता का गाइडेंस मिलेगा तो सेवन टू फोर्टीन ईयर्स के बीच में थोड़ा मैक्सिमम आपका जो प्रोग्राम प्रोग्राम में होगा वो होगा वन से और थोड़ा बहुत होगा आपका जीरो से भी थोड़ा बहुत आपका जीरो से भी होगा तो यहाँ पे क्या दिखता है यहां पे जो लोग वन से ज्यादा प्रोग्रामिंग हो जाएंगे वो मस्कुलन होंगे जो जिनका प्रोग्रामिंग जीरो से ज्यादा होगा वो फेमिनन हो जाएंगे इसलिए आपको टॉम बॉय गर्ल दिखती है जो कि वन से ज्यादा इंफ्लुएंस है और गर्लिश बॉय दिखती हैं जो कि जीरो से ज्यादा इंफ्लुएंस है ठीक है नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिग्नेचर सो लेट्स अज्यूम दैट यू गेट अ सैंपल आपने किसी को एक हैंड सैंपल की डिमांड की और आपके सामने एक हैंडराइटिंग सैंपल आया ओके यू गॉट वन हैंडराइटिंग सैंपल और वो हैंडराइटिंग सैंपल में इस तरह से लिखावट है ऐसी कुछ चीजें लिखी हुई है यहां पे लिखा गया है और फिर इस इंसान ने तीन जगह सिग्नेचर किए, एक इंसान ने पहले तीन लोगों का आपको सैंपल आया पहले इंसान ने सिग्नेचर किया यहाँ पे दूसरे ने किया यहां पे और तीसरे ने किया यहां पे तो पोजिशन नंबर वन पोजिशन नंबर टू और पोजिशन नंबर थ्री आप में से कितने लोग ये जानने के लिए उत्सुक है कि व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ पोजिशन नंबर वन कितने लोगों की इच्छा है कि मैं ये सिखाऊं कि पोजिशन नंबर वन पे अगर किसी ने सिग्नेचर किया तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू नो दिस ओके ओके सो वी हैव क्वाइट अ फ्यू पीपल हु वांट टू नो सो लेट्स डिस्कस दिस लेट्स लर्न दिस चलो सीखते हैं हम लोग नो सो नाउ अगर हम लेफ्ट राइट -right की बात करते हैं तो क्या दर्शित क्या दिखता है ये एक पेज है ब्लैंक पेज क्या आपको पता है जिंदगी में आप सभी के पास एक चीज बहुत कॉमन है जिंदगी में जैसे आपके बीच में और शाहरुख खान के बीच में एक चीज कॉमन है।, है आपके बीच में और बराक ओबामा में एक चीज कॉमन है आपके बीच में और यू नो आपकी आपके घर का जो पेड़ है उसमें एक चीज कॉमन है कौन सी वो चीज़ है जो आपके सभी के बीच में कॉमन है शाम परफेक्ट इट इज कॉल्ड एज द टाइम आपके बीच में क्या कॉमन है टाइम कॉमन है टाइम क्या है सबके पास इक्वल है आपको दिन में मिलेगी 24 आवर्स ठीक है बाय फॉर दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट सो द ब्लैंक पेज इज इक्वल टू 24 आवर्स ये ब्लैंक पेज क्या दर्शाता है 24 घंटे को दर्शाता है और जिस तरह से आप इस ब्लैंक पेज को ट्रीट करते हो ये वो दर्शाता है कि किस तरह से आप अपना समय व्यतीत करोगे ठीक है नाउ द थिंग इज इस ब्लैंक पेज को हम चार हिस्सों में बांटेंगे लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम अब मेरा प्रश्न आपसे सब आप सभी लोगों से ये रहेगा आप सभी लोगों से प्रश्न रहेगा मेरा कि ऐसी देखिए आपके पास दो ब्रेन से एक है आपका लेफ्ट ब्रेन और एक है आपका राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन जो है आपकी राइट साइड साइड की बॉडी को मैनेज करता है और राइट right ब्रेन जो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड की बॉडी को मैनेज करता है और लेफ्ट ब्रेन जो है वो है फेमिनाइन ब्रेन लेफ्ट ब्रेन जो है वो इमोशनल ब्रेन लेफ्ट ब्रेन ही गट फीलिंग को दर्शाता है तो लेफ्ट ब्रेन जो है वो लेडी को दर्शाता है फिमिनिटी को दर्शाता है इमोशंस को दर्शाता है तो लेफ्ट साइड जो है वो हो गया फीमिनाइन साइड फीमिनाइन साइड ओके दैट विल बी साइड नाउ थिंग इज ऐसी कौन सी चीज है आपकी लाइफ में जो आपको फर्स्ट टाइम मिली है अपनी मदर से वॉट यू आर गॉट फ्रॉम योर मदर फॉर द फर्स्ट टाइम आपको जिंदगी में लेडी किसी भी लेडी से जो पहली चीज मिली वो क्या थी वॉट इज द फर्स्ट थिंग विच यू आर गॉट फ्रॉम योर मदर इन योर लाइफ वॉट दिस वॉट डू यू थिंक बर्थ लव लाइफ अफेक्शन लव केयर मदरहुड ओके, फीलिंग्स, रुमा करेक्ट व्हाट यू आर सेइंग, फर्स्ट थिंग यू आर गॉट फ्रॉम योर मदर इज सिक्योरिटी आपकी मदर ने आपको अपने पेट में संभाला सिक्योर किया आपकी हेल्थ की फिक्र की सो द फर्स्ट थिंग विच यू आर गॉट फ्रॉम योर मदर इज सिक्योरिटी सो द लेफ्ट साइड इंडिकेट्स सिक्योरिटी और ऐसी सभी चीजें जो ये दर्शाएंगे कि क्या सिक्योरिटी का मीनिंग क्या हो सकता है तो आपकी लाइफ में और कौन सी चीजें हैं जो आपको सिक्योरिटी प्रदान करती है वॉट अदर थिंग्स इन यूर लाइफ गिव यू द सिक्योरिटी और कौन सी चीजें आपकी लाइफ में आपको सिक्योरिटी देंगी मनी मे नॉट जॉब मे नॉट जॉब मेक्स यू इनसिक्योर मनी मेक्स यू इनसिक्योर लॉट ऑफ पीपल हुआ मनी आर इनसिक्योर सी do you think your country gives you security they put the soldiers around the uh, border hai na desh aapko aapko protect karta right to yaha pe aa jayega country your country gives you security then people always want to know from where have you come right to तो aapka past आपका पास सबको सिक्योर बनाता है क्योंकि अगर लोगों को पता नहीं है या आइडेंटिफिकेशन या past सबको secure बनाएगा आपका house आपके पेरेंट्स वो आपको सिक्योर बनाएंगे आपका रिलीजन वो आपको सिक्योर करेगा तो पास्ट पेरेंट कंट्री रिलीजन एंड सोसाइटी दीज थिंग्स गिव्स यू सिक्योरिटी और ये सभी चीजें आएंगी लेफ्ट हैंड साइड में ये सभी चीजें जो आएंगी लेफ्ट पेरेंट कंट्री रिलीजन एंड सोसाइटी लिख लो आप जिनको लिखना है पास्ट पेरेंट कंट्री रिलीजन एंड सिक्योरिटी सोसाइटी दीज आर दिंग विच गिव यू सिक्योरिटी नाउ जो राइट right साइड है पेज का ये राइट right साइड जो है वो लेफ्ट के अपोजिट जो लेफ्ट सोचता है उस उसके अपोजिट राइट right सोचता है तो राइट right साइड क्या हो जाएगा अगर लेफ्ट सिक्योरिटी है तो राइट right क्या हो जाएगा अगर लेफ्ट सिक्योरिटी है तो राइट right क्या हो जाएगा दिस इज एग्जैक्ट अपोजिट टू द लेफ्ट सो द राइट वुड बी रेस्क

या करेक्ट वन इज उर्दू अरेबिक मे बी सिंधी मे बी नो देर आर फ्यू लैंग्वेजेस विच ट्रेवल्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो ये कहा से कहा जा रहे है ये जा रहे हैं सक्सेस से सिक्योरिटी की तरफ रिस्क से सिक्योरिटी की तरफ तो जो भी लैंग्वेजेस इस तरह से ट्रेवल करेगी और ये लैंग्वेज जो लोग बोलेंगे जो लोग लिखेंगे वो किसके बारे में ज्यादा बात करेंगे वो बात करेंगे पास्ट कंट्री और रिलीजन के बारे में बात एंड रिलीजन तो इसीलिए देखो जो पाकिस्तान है उसका नेशनल लैंग्वेज है उर्दू और वो लोग ज्यादा बात किसका करेंगे पास का कंट्री का और रिलीजन का कोई भी लैंग्वेज जब राइट टू लेफ्ट ट्रेवल करेगा तो दिस इज वॉट देवेर दे आर गुन टू गेट नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन अब जब कोई इंसान फर्स्ट पोजीशन पे सिग्नेचर करेगा तो इसका मीनिंग क्या होगा क्या चाहता है ये इंसान अगर किसी ने यहां पे सिग्नेचर कर दिया तो क्या चाहेगा वट इज वट बी हिज विल वट ही वॉन्ट्स अगर किसी ने यस करेक्ट राजनी करेक्ट कैरोलिन दैट दिस पर्सन वांट्स टू बी सिक्योर तो ये आदमी रिस्क लेने नहीं लेना चाहता ये आदमी सिक्योरिटी ज्यादा चाहता है ये थोड़ा सा डरा हुआ है दिस पर्सन इज नॉट रेडी टू टेक एक्शन टू कमिट यह डरा हुआ सिक्योर होना चाहता है सिक्योरिटी पोजिशन नंबर थ्री पे सिग्नेचर करता है तो इंसान रेडी टू टेक रिस्क यह रिस्क लेने के लिए रेडी है अपॉर्चुनिटी ग्राफ करने के लिए रेडी है कमिट करने के लिए रेडी है तो ये थोड़ा सा इम्पल्सिव है अपनी ग्रोथ के लिए यह थोड़ा सा इंपल्सिव है अपने मतलब हिज टू कमिटेड You know, और थोड़ा सा इम्पल्सिव हैचर तो करता है तो आपने गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो है उनको तीसरे पोजीशन पे सिग्नेचर के लिए अलाउंसू कमिट वो बोलते कि आप कमिटमेंट करो ठीक है ठीक है वो बोलता है कि आप जो है आप कमिटमेंट करो आप दिखाओ कि यू आर रेडी और जो सेकंड चीजें है

नाउ ये हो गया होरिजेंटल प्लेसमेंट ऑफ द सिग्नेचर दिस इज़ होरिजेंटल प्लेसमेंट ऑफ द सिग्नेचर नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वर्टिकल प्लेसमेंट ऑफ़ सिग्नेचर देखो कई बार आप क्या होगा आप जब सिग्नेचर देखोगे ठीक है तो कई लोग जो है सिग्नेचर इस तरह से करेंगे ये हो गया पोजीशन नंबर वन एंड ये हो गया पोजीशन नंबर टू दिस इज पोजीशन नंबर वन एंड दिस इज पोजीशन नंबर टू ठीक है तो ये जो है यहाँ पे यहां पे क्या दिखा है ये पोजिशन नंबर वन पोजिशन नंबर टू व्हाट विल इट टेल धवनी जी अगर आपको ऑडिबल नहीं है तो आपको अपना सेटिंग चेंज करना पड़ेगा क्योंकि बाकी सब लोगों को ऑडिबल है दैट दैट इज़ इज़ हाउ हाउ पीपल आपके हिसाब से वॉट विल द पोजिशन नंबर वन एंड सेकंड विल इंडिकेट स्क्रिप्ट, अगर कोई अपने स्क्रिप्ट से करता है, तो समझ जाओ उसने जो कुछ भी लिखा हुआ है उससे वो ज्यादा कनेक्टेड है अटैच है कहीं ना कहीं जो मैटर लिखा है वो उससे दिल के करीब है या फिर सच है और जितने भी लोग कोई भी जितने भी लोग दूर सिग्नेचर करेंगे द ऑल दीपल हु डोंट फील कनेक्टेड टू इट कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियसली वो उस मैटर से दूर जाना चाहते हैं हो सकता है उन्होंने झूठ लिखा है हो सकता है कि उन्होंने सच नहीं लिखा हो सकता है कि उन्होंने कुछ भी लिख दिया हो, एंड दे आर नॉट सीरियस अबाउट इट तो पोजिशन नंबर टू ये दर्शाता है कि ये इंसान जो लिखा है इस इंसान ने वो शायद उतना सच नहीं कुछ सालों पहले हमने एक हीरो का रॉबरी सॉल्व किया था तो उस रॉबरी के दौरान उस कंपनी में बहुत सारे लोग थे और काफी सारे जो एम्प्लॉयज थे वो दस साल के ऊपर पुराने थे मतलब काफी पुराने एम्प्लॉयज थे और जब रॉबरी हुआ तो बहुत कम लोगों को यह पता था कि हीरे कहाँ से कहा जाने वाले हैं और शक किस पे करें सभी लोग पुराने थे और किसी को भी शक करना या किसी को भी पूछताछ करना मतलब उनका कॉन्फिडेंस खो देना और कंपनी उनके बगैर नहीं चलेगा तो ऐसे में उन लोगों ने हमको अप्रोच किया और हम लोगों ने फिर उनसे कुछ चीजें लिखवा के लिए सभी एम्प्लॉइज और वापस मैंने आप कंपनी क्या सोचते हो आपका आप इस कंपनी में आप अपने खुद को कहाँ पे देखते हो और आपको रॉबरी जो हुआ कंपनी में उसके बारे में आपको क्या पता है और ऐसे उनको कुछ कुछ चीजें उनको हमने लिखवाने के लिए लगाई थी और लास्ट में उनको दो तीन चीजें ऐसी लिखनी थी ऐसे कि मुझको इस रॉबरी के बारे में कुछ भी नहीं पता इस रॉबरी में मैं किसी भी तरह से शामिल नहीं हूँ इस तरह के सेंटेंस लिखनी थी उनको और आप बिलीव नहीं करोगे जिन जिन लोगों का उसमें हाथ था सबकॉन्शियसली उनका जो सिग्नेचर था वो ऑटोमेटिकली दूर हो गया उनके रिटर्न मैटर से जैसे उन्होंने लिखा कि इस रॉबरी में हम कनेक्टेड नहीं है इसके बाद उनको पता नहीं है दे साइंड अवे फ्रॉम द सिग्नेचर फ्रॉम द स्क्रिप्ट सो दैट इज हाउ दिस टेक्निक इज वेरी वेरी यूजफुल इन मोस्ट ऑफ द केसेस टू नो अबाउट द वेदर द पर्सन इज स्पीकिंग ट्रूथ और दर्सन इज गेटिंग कनेक्ट टू द रिटर्न मैटर और नॉट ठीक है ऐसे कई सारी टेक्निक वन ऑफ द टेक्निक नाउ कमिंग बैक टू लर्निंग्स हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू लर्न अबाउट टॉप एंड बॉटम आर्ज आप में से कितने लोगों को यह जानने में मजा आएगा कि टॉप और बॉटम क्या दर्शाता है ग्रेट सो मेनी पीपल वॉन्ट लर्न अमेजिंग अमेजिंग Okay. So, देखिए, जब आप कभी अचानक से नेशनल एंथम को सुनते हैं अचानक से आपने अगर किसी आप अपने नेशनल एंथम को सुना तो आप क्या करते हो आप खड़े हो जाते हो और शांति से खड़े हो जाते हो अगर आप किसी मैयत में जाते हो और आपको मैयत में आप कुछ समय बिताते हो तो आप जनरली उस प्रेत के सामने उस शव के सामने जाके बैठ के शांति से बैठे रहते हो आपके घर में अचानक से कोई बड़े व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति रेस्पेक्टेड व्यक्ति आ गए तो आप उड़ जाते हो और उनको बैठने के लिए जगा दे देते हो और अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो आप जब आपके डैड या कोई बड़े व्यक्ति या बॉस आपको कुछ बोलते हैं तो आपकी गर्दन जो है वो झुक जाती है और आप सुन के लेते हो बिना कुछ बोले ठीक है तो इन सभी जगहों पे आप क्या ऑफर कर रहे हो आप अपना टाइम दे रहे हो टाइम कौन सा टाइम ब्लैंक टाइम ब्लैंक टाइम ओके ब्लैंक टाइम तो ये ब्लैंक टाइम क्या है ब्लैंक टाइम का देना मतलब रिस्पेक्ट को देना जब जब आप किसी भी व्यक्ति को अपना समय देते हो खाली समय देते हो वो रिस्पेक्ट को दर्शाता है इसीलिए बोला जाता है कि इस आत्मा की शांति के लिए हम दो मिनट मौन रखेंगे मौन रखना मतलब ब्लैंक टाइम का अर्पण करना तो ब्लैंक टाइम जो है वो दर्शाता है रिस्पेक्ट ब्लैंक समय और ब्लैंक स्पेस जब आप किसी को जगह दे देते हो बैठने के लिए या जगह दे देते हो तो वो भी रिस्पेक्ट दर्शाता है और ब्लैंक टाइम दे देते हो वो भी दर्शाता है तो देखिए जब आप किसी के पैर छूते हो तो क्या होता है आप यहां से बेंड होते हो इधर बेंड हो जाते हो और पैर छूते हो तो कहीं ना कहीं ये जो जगह है वो एम हो जाती है इतनी जगह जो एम टी हो जाती है जैसे आप चाइनीज लोगों को देखो वो क्या करते है कमर से झुकते हैं और सलाम करते हैं या फिर ग्रीटिंग कर ग्रीटिंग देते तो ये जो झुकना है वो झुकना जो है उनका समय यहाँ पे उनका जो ऑक्यूपेंस है वो खाली कर देता है ये रिस्पेक्ट दर्शाता है आप जो अपनी गर्दन नीचे डाल देते हो रिस्पेक्ट देना क्यों क्योंकि जैसे ही गर्दन नीचे डाली यहां से इतना पोर्शन क्या हो गया? खाली हो गया गया खाली तो जब जब आप टॉप साइड की बात करते हो तो टॉप साइड दर्शाता है रिस्पेक्ट और जब जब आप ये टॉप साइड किसी के लिए एम कर देते हो तो ये दर्शाता है कि यू वॉन्ट टू शो दी रिस्पेक्ट टॉप साइड ऑलवेज टॉक्स अबाउट द रिस्पेक्ट इसलिए आपने देखा होगा स्कूल में आपने देखा रहे कि आपके पास इस तरह की दो लाइंस इधर थी और दो लाइंस इधर थी यहां पे क्या कहा गया कि जो भी लेफ्ट साइड की चीजें हैं उसके लिए केयर करो क्या केयर था वो पास पेरेंट कंट्री रिलीजन सोसाइटी उन चीजों के लिए आपने केयर करना चाहिए और जो भी टॉप साइड की चीजें थी मतलब जो भी लेफ्ट साइड की चीजें थी उनका जो रिस्पेक्ट है वो कहा से में रिस्पेक्ट करो और लेफ्ट साइड में केयर करो इसलिए आपने देखा लगा आपके स्कूल में लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे मार्जिन जो है वो ऑलरेडी बनी हुई थी जब आपने वो पेपर मतलब बुक खरीदा था बिकॉज दैट इज द वे दे वॉन्टेड टू ट्रेन यू टू हैव द माइंड सेट ऑफ गिव द रिस्पेक्ट एंड केयरिंग फॉर अदर पीपल ठीक है नाउ वट इज द बॉटम साइड आप में से कितने लोगों ने ओल्ड चाइनीज मूवी देखी है आप बाय एनी चांस कुम्फू पांडा देखा हुआ है कुंफू पांडा देखा है और या फिर ये देखा है देखा है तो जैसे ही जब आपने देखा वहां पे आप देखो कि वहां पे जो बॉस रहता है जो राजा रहता है राजा का दरबार लगा हुआ है और राजा के दरबार में उसका जो मंत्री है वो खड़ा है और वहां से घुड़सवार आ रहा है और घुड़सवार जैसे ही पहुंचता है दौड़ दौड़ के जाके एक पर्चा वो राजा की मंत्री के पास देता है और जो मंत्री है वो इस तरह से उसको ओपन करता है और ओपन करते जाता है यू नो वाई बिकॉज द ओल्ड चाइनीज वे ऑफ राइटिंग वॉज टॉप टू बॉटम दिस इज हाउ दे राइट वो जो है वो लोग ऐसे लिखते हैं you know? ऐसे लिखेंगे वो तो ये जो है उनका लिखने का स्टाइल है टॉप टू बॉटम तो बॉटम चीज क्या दर्शाता है बॉटम ये दर्शाता है कि आप कैसे वो चीजों को एग्जीक्यूट करोगे अबाउट द एग्जीक्यूशन और इसीलिए इसीलिए चाइनीज पीपल आर गुड एग्जीक्यूशन दे मे बी हार्श रूथलेस और वन थिंग इज श्योर दे थिंग्स वेन दे वो एग्जीक्यूशन में चाइनीज विल बी ऑलवेज बेटर क्योंकि उनका राइट right दिखने का तरीका कैसे टॉप टू वॉटर लेट्स कंटिन्यू द कंटिन्यू द लर्निंग ऑफ लेफ्ट एंड राइट माइक यू मस्ट ऑफ सीन द सिग्नेचर आपने ऐसे सिग्नेचर देखे रहेंगे जहां पर लोग जो है डॉट देते हैं सिग्नेचर के नीचे जैसे मैंने यहाँ पे समझो एक्स एक्सवाइन सिग्नेचर कर दिया तो लोगों ने डॉट्स दे दिए पोजिशन नंबर वन पे पोजिशन नंबर टू पे और पोजिशन थ्री पे यहाँ पे दो डॉट दे दिए दो डॉट और यहाँ पे दो डॉट आपके हिसाब से ग्राफोलॉजी याडराइटिंग एनालिसिस में ये दो डॉट का एक डॉट का मीनिंग क्या होगा वर्ड विल बी मीनिंग ऑफ वन डॉट हमने हमने बोला ना कि आपके दिमाग में कुछ जो है आपके माइंड में कुछ थॉट आता है वो थॉट फिर आपके दिमाग में जाता है फिर वो दिमाग आपकी आपके हैंड राइटिंग में वो इंपल्स लाता है डॉट लाइन लूप एंड राइट सो जो एक डॉट है वो दर्शाता है वन थॉट वन डॉट मींस वन थॉट ठीक है आप बिना एक थॉट आपके बारे में भी किसी ने सोचा कि लेस है बेबी और किसी ने सोचा लेस एंजॉय तो कहीं ना कहीं आप एक थॉट हो वन डॉट इज इक्वल थॉट तो दूसरा डॉट क्या हो जाएगा वॉट इज द टू डॉट वॉट अबाउट सेकंड डॉट द सेकंड डॉट विल बी अनादर थॉट अनादर ह्यूमन बींग दो डॉट देते हो इसका मतलब ये होता है सिग्नेचर के नीचे की बात कर रहे हैं सिग्नेचर के नीचे अगर आपने दो डॉट दिए तो ये दर्शाता है कि ये व्यक्ति को किसी के साथ रहने की इच्छा है दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी विथ सम तो अगर किसने पोजीशन नंबर वन पे दो डॉट दिए इसका मीनिंग क्या हो जाएगा पोजीशन नंबर वन टू डॉट्स वॉट विल इज द मीनिंग पोजीशन नंबर वन करेक्ट तरुण जी वेरी ट्रू पोजीशन नंबर वन बताएगा कि ये इंसान को फैमिली के साथ रहने की ज्यादा इच्छा है ये इंसान फैमिली के साथ रहना पसंद करता है खुद की बीवी खुद के बच्चे खुद के पेरेंट्स खुद का भाई जो भी है उसके खुद के रिलेटिव्स, फैमिली उनके साथ रहना क्वेश्चन नंबर वन को पसंद है क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पे आ जाता है नोन पीपल यहाँ पे आ जाएगा नोन पीपल ठीक है क्वेश्चन नंबर टू अब यहां से जैसे आप ट्रेवल करोगे आपकी जान पहचान कम हो जाएगी तो पोजिशन नंबर टू पे ऐसे लोग आएंगे जो थोड़े से नोन है और थोड़े से अननोन है. है ना थोड़े से नोन और थोड़े से अननोन तो ऐसे कौन से लोग हैं आपके लाइफ में जो थोड़े से नोन होते हो थोड़े से अननोन होते जिनको आप जानते भी हो और जिनको आप ज्यादा जानते नहीं भी हो विच आर दो पीपल इन योर लाइफ या दीज आर फ्रेंड्स ओके दीज आर फ्रेंड्स विथ होम इट्स लाइक यू यू नो नो देम देम एंड डोंट मच दोनों चीजें तो पोजिशन नंबर टू पे व्यक्ति जो है ऐसे फ्रेंड्स बनाता है जो उसकी फैमिली फैमिली की तरह हो जाते हैं मतलब वो आके आपके घर पे खाना खा सकते आप उनके घर पे जाके खाना खा सकते हो इतना याराना बढ़ जाता है तो पोजीशन नंबर टू पे आपके फ्रेंड्स जो है वो आपके कजन की तरह होते हैं और कजन जो आपकी फ्रेंड्स की तरह होते हैं इतने अच्छे फ्रेंडशिप आपकी हो जाती है ठीक है नाउ नाउ पोजिशन नंबर थ्री अगर आप पोजिशन नंबर थ्री की बात करते हो तो यहां पे कंप्लीट क्या हो जाएगा अनोन ठीक है यहां पर अनोन तो यहां पे ये यह व्यक्ति जो है स्ट्रेंजर्स के साथ आसानी से बात कर पाता है दिस पर्सन बिकम्स फ्रेंडली विद स्ट्रेंजर्स हाउ मेनी ऑफ यू हैव द पोजिशन नंबर थ्री डॉटिंग आप में से कितने लोगों के पास पोज नंबर थ्री डॉटिंग है और आप किसी भी व्यक्ति से कंफर्टेबली बात कर पाते हो राइट इफ यू इफ यू थिंक यस पॉइंट यस रोमा जी डॉक्टर नीलम प्रीति यस अनुषा यस सो मेनी पीपल विल राइट साइड, या, ओके सो जब आप दो डॉट्स जो है सिग्नेचर के नीचे देख हुए राइट हैंड साइड पे तो आप कंफर्टेबली किसी भी व्यक्ति से बात कर पाओगे आपका किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फ्रेंडशिप हो जाएगा आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो आपकी फ्रेंडशिप होगी आप बगीचे में घूम रहे हो आपकी फ्रेंडशिप होगी आप कहीं दुकान में कुछ खरीदने जी गए वहां पे आपकी फ्रेंडशिप होगी आप किसी भी व्यक्ति से कंफर्टेबली बात करके आप फ्रेंडशिप कर सकते हो ये होता है पोजिशन नंबर थ्री तो पोजिशन नंबर थ्री तो पे डॉटिंग करने वाले लोग जो है वो बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं मार्केटिंग के लिए दिस पीपल कैन डू अ लॉट ऑफ मार्केटिंग सिग्नेचर्स so जहां पर आपको दो डॉट की जगह सिर्फ एक डॉट दिखेगा तो उसका मीनिंग क्या होगा अगर किसी ने सिर्फ एक डॉट दे दिया सिग्नेचर के नीचे तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा सिग्नेचर के नीचे अगर किसी ने एक डॉट दे दिया सिर्फ तो इसका मीनिंग क्या इसका मीनिंग होता है

एक डॉट दे देते एग्जैक्टली अपोजिट टू द लाइन आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं कि एग्जैक्टली अपोजिट टू द लाइन सिग्नेचर में डॉट दे दिया ठीक है तो ये क्या दर्शाता है काफी सारे लोगों वेरी नाइस वेरी नाइस ये दर्शाता है गौरी जी ओके okay? तो ये जो राइट साइड का जो ये डॉट है ये दर्शाता है कि ये व्यक्ति अगर ये डॉट में कंडीशन ऐसा है कि अगर ये डॉट हमेशा लाइन के अपोजिट ही जाएगा एग्जैक्टली exactly. मतलब बार बार आप लाइन करोगे और लाइन के वो अपोजिट में जाएगा वो आप लाइन करोगे लाइन के अपोजिट में जाएगा आप लाइन दोगे आपके लाइन के अपोजिट में जाएगा तो अगर ये बार बार ये डॉट लाइन के एग्जैक्ट अपोजिट जाएगा उस समय पे यह व्यक्ति पर्टिकुलर हो जाता है ये व्यक्ति पर्टिकुलर हो जाता है चीजों को लेकर कई सारे हैबिट्स उनके मतलब चार बजे चाय पीना है तो चार बजे चाय पीना है सवेरे छह बजे तो छह बजेर you know? so do कौन सेबिट आपके ऐसे पर्टिकुलर की ऐसे ही करना है ये चीज ऐसे ही होनी चाहिए मकवाना आई आई राहुल I I yeah. nice. hmm. yes. wow. so अगर ये डॉट आपका भी हो जाए मतलब कहीं ये लाइन के आगे रहे कहीं कहीं पे ये लाइन के ऊपर रहे कहीं लाइन के नीचे रहे मतलब ये अगर भी हो जाए तो व्हीवीनेस क्या दर्शाता है

और आप जो है कुछ uh, मतलब यू जस्ट आर पुटिंग योर ओन क्वेश्चन ओन क्वेरीज लेट्स हैव द टाइम सेपरेट फॉर दैट राइट नाउ लेट्स स्टडी वॉट वी हैव डिसाइडेड टू टीच यू ओके तो उसके बाद हो सकता है आपके क्वेश्चन खत्म हो जाए नहीं खत्म होंगे तो भी लेट्स हैव द दैट टाइम फॉर अनदर टाइम वेन वी आर गोइन टू आस द नेक्स्ट टॉपिक इज अंडर स्कोर हाउ मैनी ऑफ यू डू अंडर स्कोर बिलो द सिग्नेचर कौन से लोग है जो सिग्नेचर के नीचे अंडर स्कोर देते आप में से कितने लोग ओके ओके सो मैनी पीपल ऑसम वेरी नाइस तो ये जो सभी लोग जो अभी आप हाया नाम है जवाब दो ये जो सभी लोग है जो अंडर स्कोर देते हैं सिग्नेचर के नीचे वो लोग वो चीजें दूसरों को रिकमेंड नहीं कर पाते हैं जो इनको पसंद नहीं एम एर यू कैनॉट रिकमेंड समथिंग बैड टू अदर पीपल विच यू ये सभी लोग ऐसे व्यक्ति से अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते जिनको ये पसंद नहीं करते भले उसका वो बॉस रहे सुपेरियर अथॉरिटी रहे, अ मैटर अगर इनको वो व्यक्ति पसंद नहीं है तो जाके बोलते ना वो चमचागिरी या चाटुगिरी जो है वो ये लोग नहीं कर पाते हैं ये ऐसे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते जिनको ये पसंद नहीं करते करेक्ट अब ये ऐसा क्यों और क्यों ऐसा तो ये जो लाइन है जो आप सिग्नेचर के नीचे देते हो ये लाइन जो है ये है कन्विक्शन का लाइन कन्विक्शन यह है कॉन्फिडेंस करविक्शन है कॉन्फिडेंस है यह सभी का ये लाइन है तो ये लाइन ये दर्शाएगा कि ये व्यक्ति तभी कोई भी चीजें करेगा यह लाइन तभी कोई व्यक्ति करेगा जहां जब वो खुद कन्विंस होगा कन्विक्शन तो वो चीजें वो तभी एग्जीक्यूट करेगा जब वो चीजों को लेके वो कन्विंस होगा कन्व्यूजन के साथ करने की कोशिश करेगा ये व्यक्ति कभी भी झूठी चीजें नहीं बता बेच सकता है जिन चीजों पे ये बिलीव करता है वही चीजों को बेच सकता है इनको बोलो कि ये बेचो और बोलो कि कि ये बेचो और लोगों को ये दांत साफ करते हैं तो ये इंसान जाके स्टडी करेंगे जाके पढ़े पढ़ाई करेंगे कि क्या सच में ये तुरपेस अच्छा है क्या सच में इसके इसके यूजेस के कारण दांत अच्छे होते हैं और वो करने के बाद ही वो जाके ये बेचेंगे अगर वो कन्विंस नहीं होंगे तो वो वो काम नहीं करेंगे ऐसी केस में अगर यहाँ पे किसी ने दो सिग्नेचर कर दिए दो अंडरलाइन कर दिए तो ये तो एक कन्विक्शन था ये दूसरा कन्विक्शन है जो लोग दो अंडरस्कोर नीचे कर देते हैं वो लोगों का चेकिंग बहुत होता है दे वॉन्ट टू बी डबली कन्विस्ड अबाउट समथिंग ये एक बार नहीं दो बार चेक करेंगे और चेकिंग बहुत करेंगे ऑल दो पीपल डू

तो ऐसी कंडीशन में आप समझ लो कि ये व्यक्ति के कॉन्फिडेंस में काफी ज्यादा कमी है ठीक है दो तक सही है दो से आगे कोई कुछ करता है तो समझ जाओ ये दिखागा कि ये बहुत कॉन्फिडेंट है लेकिन वो है, रहता नहीं ठीक है दैट इज दोजिशन नंबर मतलब मोर देन टू नंबर ऑफ सिग्नेचर्स ठीक है नाउ a few of you people okay how many of you would like to understand something about the signature of sushant singh rajput how many of you would like to learn about signature of sushant singh rajput okay so many awesome let me make you aware about his signature as well सिग्नेचर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत उसमें आपको क्या दिखता है सिग्नेचर में आपको सिग्नेचर में दिखता है डॉटिंग इन सिग्नेचर अगर आप किसी भी सिग्नेचर के बीच में डॉटिंग देते हो तो उसका मीनिंग क्या होता है देखो डॉट का मीनिंग होता है स्टॉप जब आप लाइन के अकॉर्डिंग लिखते हो आप अपने खुद की बुक में भी लिखते हो तो नोटबुक में लिखते हो और कभी भी किसी लाइन के सामने आपने डॉट दे दिया तो आप क्या बोलते हो आप बोलते हो कि यार ये लाइन खत्म हो गया ये सेंटेंस खत्म हो गया अभी नई शुरुआत करते हैं तो सिमिलरली जब जहाँ पे ये डॉट आ जाएगा ये उस चीज को रोकथाम करने की टेंडेंसी को दर्शाता है तो ये जो डॉट है ये डॉट दर्शाता है कि ये एक दीवार है ये एक स्टॉप है ये एक बंधन है यहां से आगे ये व्यक्ति नहीं बढ़ना चाहता है ये चीजों को यहाँ पे खत्म करने की इच्छा रखता है तो एस डॉट का मीनिंग होता है कि सुशांत सिंह राजपूत चाहेंगे क्या चाहेंगे वो चाहेंगे कि उनकी पर्सनलिटी जो है वो बदले ना वो अपनी पर्सनलिटी को प्रोटेक्ट करेंगे वो किसी और के साथ मिंगल नहीं होंगे और वो कभी भी किसी और को अपनी पर्सनैलिटी पे हावी नहीं होने देंगे ये दर्शाता है एस डॉट मैं मेरा तू तेरा टी टी एम एम तू तेरा मैं मेरा मैं मेरा संभालूंगा ये दर्शाता है डॉट डॉटिंग करने वाले सभी लोग अपने काम को बखूबी करते हैं और बाकी दूसरे काम को बोलते ये ये तेरा है तूने करना चाहिए मेरा था काम था काम मैंने कर लिया अब बचा हुआ काम तेरा है तूने करना चाहिए तो ये टी -टी की भावना बहुत रहती है और ये लोग कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं बाहरी वर्ल्ड से क्योंकि यहाँ पे तो स्टॉप आ गया यहाँ पे तो दीवार आ गई तो एस जो है जो कि सुशांत के लिए सुशांत अकेले हो गए आपको पता होगा उनके घर में एक टेलीस्कोप था जिसको जिससे वो घंटों वो घंटे अपने मून पे उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट किया था एक प्लॉट खरीदा था तो वो उसको देखा करते थे ये दर्शाता है अकेले रहने की इच्छा अपनी को अलग रखने की इच्छा डॉट जहाँ पे देखो एस डॉट आ गया तो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली के साथ भी उनके कम्युनिकेशन में बाधाएं आएंगी और जब राजपूत के बाद डॉट आ जाएगा तो दुनिया के साथ भी कम्युनिकेशन में उनकी बाधाएं आएंगी यहाँ पे वो दुनिया को भी अपनी बातचीत जो है उनकी थॉट्स विचार सब्जेक्ट जो है वो बताने में असमर्थ हो जाएंगे तो जहां पे भी आपको दिखेगा कि डॉटिंग है सिग्नेचर में वहां पे आप समझ लो कि व्यक्ति जो है खुद की पर्सनलिटी को अलग रखना चाहता है खुद के विचारों को अलग रखना चाहता है और वो किसी और व्यक्ति को अपने विचारों पे अपनी लाइफ में शामिल होने का मौका नहीं देना चाहता है ठीक है दैट इज द डॉटिंग तो हमारा एक हमसे मिलने कुछ सालों पहले कपल आए थे जो कपल जो थे वो डॉटिंग uh, करते थे सिग्नेचर में दोनों मतलब हजबैंड uh, भी और वाइफ भी तो यू विल नॉट बिलीव एक्सेप्ट फॉर द ड्यूटीज ऑफ वाइफ रेस्ट ऑल द टाइम वट वॉज द टाइम उन लोगों का ना सेपरेट था सब कुछ बेड में बीच में लाइन थी राइट साइड का मेरा लेफ्ट साइड का तेरा इनके कब्बर्स अलग एवरी अदर थिंग विच दे हैड वाज डिफरेंट टेड एंड सेपरेट सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डॉटिंग इन बिटवीन दिग्नेचर ओके डॉटिंग कर लेता है सिग्नेचर के बीच में ठीक है नाउ लेट गो एंड लर्न द न्यू कंसेप्ट ओके नाउ हाउ मैनी ऑफ यू हा द टेंडेंसी ऑफ डूइंग द सिग्नेचर लाइक दिस आपके सिग्नेचर का एंगल फोर्टी फाइव डिग्री कितने लोगों का सिग्नेचर का एंगल जो है फोर्टी फाइव डिग्री है वो माधुरी का है और फिर आरती जी का है आशीष का है तरुण का है नीलम प्रीति राजेश मैन सो मेनी एंड ऑल अमेजिंग हम हाउ मेनी ऑफ यू आर सफरिंग फ्रॉम नाउ लिसन टू मी दिस वेरी केयरफुली

So, that is what happens with the 45 degree shithi, cervical spondylysis. Roma, yes. Ashes, upper back pain, very true. So, the easiest remedy for all of you, this is the take back from today's workshop. I want your upper back to be healed. I want your neck to be healed. I want your pain to go down for spondylysis and other diseases. What you need to do? Reduce the size, the angle of signature to 20 degrees. बीस पच्चीस डिग्री तक आप लेके जाओ इतना अगर करोगे फोर्टी फाइव डिग्री पे तो आपको ये हंड्रेड परसेंट ये होगा मतलब होगा ठीक है तो अगर आपने थर्टी डिग्री से फोर्टी फाइव डिग्री के बीच में सिग्नेचर किया है तो कहीं ना कहीं आपको अपर बैक पेन होगा सर्विकल स्पॉन्डिलाइसिस हो सकता है नेक पेन आ सकता है ठीक है और अगर बीस से तीस डिग्री में है तो इट्स ओके पर उसके ऊपर अगर जाता है तो इट इज गोइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ एंड हेल्थ इश्यूज फॉर यू दूसरी चीज जितने भी लोग फोर्टी फाइव डिग्री सिग्नेचर कर रहे हैं आप बताओ आपके ड्रीम्स अनलिमिटेड यू हैव अनलिमिटेड ड्रीम्स इट्स लाइक यू वॉन्ट टू अचीव अ लॉट फ्रॉम नो वेरी नाइस एंड गुड

कामयाब हो सकते हो सफल हो सकते हुँ, लेकिन आप अपनी नज़र में आप आपको हमेशा लगता है कि यार मैं उतना नहीं कर रहा हूँ जितना मैंने करना चाहिए आई एम स्टिल नॉट अचीविंग द रिजल्ट दिस इज वॉट दिस एंगल फोर्टी फाइव डिग्री थर्टी डिग्री दिस इज start इट डज lot यू वेरी Now this फ्रॉम what the meaning. of the angles in signature. Imagine, imagine a simple angle can talk to you, talk about your disease, your health issues. Imagine a simple angle can talk disease, and health issues. Then what a entire handwriting when you learn will talk about you. एक छोटा सा dot आपके बारे में इतना सारा चीजें बताता है. एक line, एक angle. तो सोचो अगर आपने पूरा का पूरा handwriting analysis सीखा

Awesome, this is great, this is nice. Okay, so now let me introduce a, a basic topic which will, with this also you will be able to analyze handwriting very easily, handwriting and signature very easily. So very, very basic topic. The topic is called as size of the handwriting and the size of the signature. So you write it down, size of handwriting, size of handwriting is equal to A. Then you write down size of, signature is equal to b size of handwriting is equal to a and size of handwriting is equal to b then there will be three conditions a less than b a is equal to b and a is greater than b तो so, पहली कंडीशन है जहां पे आपका हैंडराइटिंग का साइज सिग्नेचर के साइज से छोटा है ये कंडीशन में क्या होता है ये कंडीशन में आप जो है आप में से कितने लोगों का हैंडराइटिंग साइज से बड़ा सिग्नेचर का साइज है तरुण श्रीवास्तव उनका है और वॉट अबाउट अदर्स अनुपज जी का है ओके okay. अनुषा का है आशीष का है साक्षी का है ठीक सृष्टि ध्वनि वेरी नाइस सो ये सभी जो साइजेस है जहां पे आपका साइज हैंडराइटिंग का साइज सिग्नेचर साइज से छोटा से हो जाता है सिग्नेचर का साइज हैंड्रेड की साइज से बड़ा हो जाता है ऐसी कंडीशन में बाय डिफॉल्ट आपका कॉन्फिडेंस पब्लिक में जाके बढ़ जाता है आप जो है जब चार लोग बैठेंगे तो आप ज्यादा बात करोगे चार लोग बैठोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा चार लोगों के बीच में आप अटेंशन सीकर बन जाओगे और आप स्टेज पे जाके भी कंफर्टेबली बात कर पाओगे जहा जहाँ पे हैंडराइटिंग से अगर सिग्नेचर का साइज बड़ा है तो ये व्यक्ति जो है अब खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है पब्लिक के अंदर और पब्लिक में जाके इसको अटेंशन की रिक्वायरमेंट हो जाती है ही वॉन्ट्स टू गेट नोटिस बिकॉज इसका साइज जो है वो बड़ा हो रहा है जब आप खुश होते हो आपका साइज बढ़ता है जब आप डरे हुए रहते हो घबराए होते हो आपका साइज छोटा हो जाता है इसीलिए जब किसी व्यक्ति का सिग्नेचर का साइज बड़ा है सिग्नेचर का साइज मतलब सिग्नेचर जो आपका पब्लिक बिहेवियर है सिग्नेचर जो है वो आपका शो है शो मतलब जो आप लोगों को दिखाना चाहते हो तो जैसे ही इन लोगों के आजू बाजू में पब्लिक आ जाएगा तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ये अलग तरह से व्यवहार करेंगे और जब आप वन टू वन पे जाओगे तो अलग तरह से व्यवहार सिग्नेचर ये जो है वो पब्लिक है प्राइवेट बिहेवियर है वो one कंडीशन नंबर टू अगर आपका हैंडराइटिंग का साइज और सिग्नेचर का साइज ये सेम है तो आप पब्लिक में और पर्सनल लाइफ पे सेम व्यवहार करते हैं आप में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है कुछ लोग है जो पब्लिक में जाके बहुत ज्यादा बातें करते हैं और कुछ लोग है जो पब्लिक में भी उतना ही बात करते हैं घर पे आके भी उतना ही बात करते हैं तो बात करने का अटेंशन का जो इनका रिक्वायरमेंट है वो कम ज्यादा नहीं होता है पोजिशन नंबर टू में और अगर हम पोजिशन नंबर थ्री की बात करते हैं नंबर थ्री में क्या दर्था? दिखता है कि सिग्नेचर का जो साइज है वो से छोटा है और हैंडराइटिंग का साइज जो है सिग्नेचर के साइज से बड़ा है यहाँ पे ये व्यक्ति अकेले में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है बहुत बड़ी बड़ी डीगे आगता है कि लेकिन जैसे ही दो चार पांच लोग आजूबाजू में आके खड़े हो जाते हैं इसका कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाता है पब्लिक में कॉन्फिडेंस कम होता है वन टू वन लेवल पे ज्यादा है तो वन टू वन में व्यक्ति ज्यादा बात करता है ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है पब्लिक में जाके इसका कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाता है ठीक है इस तरह से हैंडराइटिंग का जो साइज है सिग्नेचर का जो साइज है ये साइज ये दर्शाता है कि कौन सा व्यक्ति पब्लिक में ज्यादा कॉन्फिडेंट है और कौन सा व्यक्ति पब्लिक में कम कॉन्फिडेंट है ठीक है देखिए हम जब अब सिग्नेचर की जो बात कर रहे हैं तब से तो अगर आप किसी भी सिग्नेचर को देखो तो देखो मैंने काफी यूनिक और छोटे छोटे कंसर्ट आपको बताए ताकि आप आज यहां से जाओ तो आपको ये एनालिसिस आ जाए आप ये बोल पाओ कि दो मैं तुम्हारे करता आप तो उसको उसके के देखे, बोल लेकिन अगर मैं सच बोलू तो हैंडराइटिंग अपने आप में एक अनंत सागर है। अगर मैं सिंपल एस की भी बात करता हूं सिंपल एस तो एस में भी देखो क्या होता है एस में आपके पास कितने सारे ऑप्शन है आप एस ऐसा भी लिख सकते हो आप एस ऐसा भी लिख सकते हो आप ऐसा भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो यू हैव सो मैनी वे ऑफ राइटिंग एस एंड स्टिल दिंग इज लाइक इज लाइक इसमें क्या होता है ये सब एस का एनालिसिस अगर किसी के सिग्नेचर में इस तरह का एस है तो एनालिसिस अलग हो जाता है किसी के सिग्नेचर में अगर इस तरह का एस है तो एनालिसिस अलग हो जाता है किसी के सिग्नेचर में इस तरह का ऐसा है तो एनालिसिस अलग हो जाता है तो क्या आप लोग मेरे उस कोर्स के बारे में जानकारी जानना चाहोगे जहां पे हम लोग ये पूरी तरीके से आपको हंड्रेड परसेंट सिखाते कि किस का चीज क्या किसका मीनिंग क्या हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू लर्न फुल डिटेल्स अबाउट द कोर्स ग्रेट थैंक यू वेरी मच लेट मी मेक यू अवेयर अबाउट द फुल कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ के लो कि अगर आप ये सीखते हो तो आपकी लाइफ में क्या-क्या हो सकता है व्हाट ऑल यू कैन अचीव व्हेन यू व्हेन यू गो एंड लर्न दिस साइंस ओके सो बिफोर वी गो फॉरवर्ड लेट्स हियर अ स्मॉल टेस्टिमोनियल फ्रॉम वन ऑफ आवर स्टूडेंट हाय एवरीवन आई एम मानसी इज इट ऑडिबल वन सेकंड लेट मी चेक इफ दिस ऑडिबल और नॉट ओके Hi everyone, I'm Mansi Deshpande. I'm an engineer and I've enrolled in Sudhir sir's online graphology and signature analysis course during the lockdown period. What I've learned from this course is how a person's subconscious mind is reflected from his handwriting. It can show you one's strengths, weaknesses, and help you improve upon yourself by improving upon your weaknesses. It's really amazing the kind of things you can know about a person just by looking at his handwriting and his signature i strongly recommend this course as it's a really interesting science and there are no prerequisites to it even i did not have any background of graphology before joining this course and the way sudhir sir teaches it's really conceptual and logical he tells us about the concepts he explains us to them by weaving them in stories and giving us real life examples and also, we have support sessions wherein all our doubts are cleared and the samples are analyzed. So, it's not just about rote learning, it's about understanding the concepts and applying them. I would encourage you all to join this course and start your journey as a graphologist. Thank you. So, she was a Mansi, uh, she's an engineer. So, what can be the thing, you know, when you Your okay. so how can आप लोगों ने बहुत सारी टेक्निक अपनी लाइफ को चेंज करने लिए। कुछ लोगों ने हो सकता है कुछ लोगों ने एनल पी ट्राई किया कुछ लोगों ने विजुअलाइजेशन मोटिवेशन बुक्स रीड करना काफी सारी चीजें आपने ट्राई की लेकिन प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम यह है कि इस सब जगह पे रूट कॉज का पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली exactly प्रॉब्लम कौन सा है और उसको कैसे सोल्व कर जाए ग्राफोलॉजी का एडवांटेज क्या है कि आपको एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके बताता है कि आपके मदर ने ऐसा व्यवहार किया उसके कारण आपका ये ये बना और उसके कारण आपके लाइफ में होगा तो जो ये जो एक्यूरेसी का लेवल है ग्राफोलॉजी में बहुत ज्यादा है इसलिए जब आप कोई भी प्रॉब्लम या खुद का या किसी और का सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो ये बहुत इजीली सॉल्व होता है इसके लिए आपको ज्यादा प्रेशर या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है

i think this is one of the best decisions i have done during the lockdown period as i was interested in graphology since my childhood days. Uh, in these sessions, we learn a good deal about handwriting, how our subconscious mind is revealed in the handwriting, and what does each pattern reveal about us. sudhir koveser teaches us very systematically and clearly explaining well what stroke, what pattern, explain a particular trait, why a person behaves the way he does and so on. Uh, we have various samples also in these sessions to interpret and learn practically in great deal in these support sessions. There are numerous aha moments also that makes us to desire to learn and seek more. I should say one uniqueness of these sessions is Kovacer literally guides sort of hand holding by explaining us how to interpret and convey our analysis to people, especially without offending them, it is indirectly sensitizing us about others' feelings. I think this takes up this course one step ahead of our expectations and probably the other similar courses too. I started this journey basically to improve myself and also because of my interest in this. Now, after realizing its benefits, I strongly recommend you all. to enroll in this course this is of great help in whichever profession you are to understand and improve self as well as others thank you so isn't it a great testimony a person was able to change her life you know she learned and now she has understood the power of it so aur kya ho sakta hai aapke life mein dekho graphology ने मुझको unstoppable किया और मेरे जैसे कई वो व्यक्तियों को किया जिन्होंने मेरे साथ में graphology सीखा और वो काफी सारे स्टूडेंट जो अभी मेरे से सीख रहे हैं वो भी ये लेवल अचीव कर रहे हैं तो ग्राफोलॉजी आपको सच में अनस्टॉपल कर देगा क्योंकि ये आपके अंदर के उस इन चीजों को बाहर निकल के लाएगा जो सच में आपके अंदर और आपको नहीं पता है यहाँ पे आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि किस तरह से आप अपनी लाइफ की हर एक अपॉर्चुनिटी का यूज कर पाओ और उसको सही रिजल्ट दे पाओ ग्राफोलॉजी आपका जो करेज है उसको बाहर निकालने में या उसको आपके अंदर इंस्टॉल करने में जैसे मैं करेजियस नहीं था मैं करेजियस बना तो करेजियस बनने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है वो आपके अंदर डालने का, का काम ग्राफोलॉजी कर सकता है और ये आपको काफी ज्यादा लेवल पे कॉन्फिडेंट बना देगा ये आपको बता देगा कि कौन से स्ट्रोक आपने चेंज किए किस तरह से आपने सिग्नेचर बनाया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा और आप बहुत बड़ी बड़ी डील्स को कर पाओगे साथ ही साथ आपको किसी भी व्यक्ति को अगर जानना है समझना है उसके बार उसकी जो बारकाया है उसका जो सोच विचार है उसको अगर समझना है आपको तो वो आप कर पाओगे क्योंकि अभी उसका हैंडराइटिंग देख लोगे उसका सिग्नेचर देख लोगे आपको समझ जाएगा कि उसका माइंडसेट क्या है साथ ही साथ खुद को आप पहचानोगे खुद को पहचानना सबसे बड़ी बात है मैं ऐसा हूं तो ऐसा क्यों हो मुझको यही चीज क्यों अच्छी लगती है मैं यही चीजें क्यों करता हूँ क्यों मैं महंगी सूट नहीं पहनता हूं या क्यों मैं महंगे सूट पहनता हूं क्यों मैं महंगी चीजें नहीं खाता हूं या क्यों मैं महंगी चीजें खाता हूँ जबकि हो सकता है फर्क ज्यादा नहीं है उस। फिर भी हम कभी कभी महंगा चीज नहीं खरीदते अपना अफोर्डेबिलिटी होने के बावजूद भी तो वो क्यों उसका भी रीजन आपको मिलेगा आपको पता चलेगा कि आपके रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए आपने क्या करना चाहिए आपके पिता के साथ माता के साथ बीवी के साथ बहन के साथ भाई के साथ पति के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो उसका रीजन क्या है किस तरह से क्या ये आपके पति के रिलेशन आप देख रहे हो या आपने पिता के रिलेशनशिप या पति के साथ रिपीट कर रहे हो ये सब चीजें भी आपको यहाँ से पता चलेगी और आपको पता चलेगा कि का यूज करके आप ऑलरेडी काम कर रहे आपका हो जाएगा आपका सैलरी बढ़ जाएगा आप यू नो वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव एबल टू अचीव मोर यूजिंग दी ग्राफोलॉजी बिकॉज आई द सेम इन माई लाइफ मैंने जो बिजनेसेस किए उसमें इसीलिए हो पाया क्योंकि मैंने ग्राफलॉजी सिखा था और ग्राफोलॉजी प्रिंसिपल्स को मैंने बार 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 अपनी लाइफ में यूज किया और मैंने सक्सेस पाया सबसे बड़ा जो माइंडसेट होता है सक्सेस माइंड सेट होता है आप में अंदर होने वाले लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर होना चाहिए करेज courage. आप करेजियस नहीं होंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो और आपका सेल्फ स्टीम भी ज्यादा होना चाहिए बिकॉज सेल्फ स्टीम तय करेगा कि आपका ग्रोथ कितना होगा आप कितने बड़े बन सकते हो और ये सभी चीजों है ये सभी चीजें तब तक काम की नहीं है जब तक आपके अंदर एक एबिलिटी नहीं आ जाती वो एबिलिटी है एबिलिटी टू टेक मासिव एक्शन अगर आपने बहुत एफर्ट्स देने की ताकत नहीं है क्षमता नहीं है तो आप ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो और ये सक्सेसफुल होने के लिए